हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो कल तक अपन ने क्या पढ़ा था? कल हम लास्ट में जो स्पर्म की स्ट्रक्चर बना के गए थे, आज अपन उस स्पर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे। डायग्राम आपने बना रखा होगा, अब अपन बात करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो आपको कम से कम वो लर्न रखने ही पड़ेंगे, ताकि उसमें डायरेक्ट अप्रोचेबल क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सको। ठीक है, तो कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको लिखा देता हूँ जो आपको याद रखने हैं। पहली बात, एक्रोसोम का निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा वो आपसे, किससे होता है? गोल्जी बॉडी से होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक्रोसोम के अंदर अनेक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसकी से कल अपन डायग्राम में लिखा था हाई एल्युरोडिनेस, जोना पेलुसिडेस, प्रोटीएसेस, ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं जो अंडाणु की मेम्ब्रेन्स को भेदने में काम आते हैं। यानी कि अंडाणु के बाहर कितनी झिल्ली आती है, याद कीजिए आप, ये अंडाणु सेकेंडरी ओसाइट जिसे अपन कह रहे थे, ये एन था, इसकी एक झिल्ली जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद में जोना पेलुसिडा, और उसके बाद में जो कोशी की परत थी, याद कीजिए आप, जिसको अपन ने कहा था कोरोना रेडिएटा। तो ये तो आ गई कोरोना रेडिएटा, ये आ गई जोना पेलुसिडा, और ये इसकी आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अंडाणु की खुद की झिल्ली है, क्योंकि अंडाणु भी एक, ओवम भी एक, सेकेंडरी ओसाइट भी एक क्या है, सेल है बेसिकली, तो सेल होगी जिसके बाद कवरिंग होगी, कवरिंग को अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलेंगे। इन तीनों को भेदने के लिए, जैसे मान लो स्पर्म है, तो पहले इसको भेदेगा, फिर इसको भेदेगा, फिर इसको भेदेगा, फिर जाकर स्पर्म इसके अंदर एंट्री कर पाएगा, तब जाकर निषेचन की क्रिया प्रारंभ हो पाएगी। ठीक है ना, तो इन सबको भेदने के लिए इन मेम्ब्रेन्स को, इसके पास क्या पाए जाते हैं, अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किस तरह से एंजाइम पाए जाते हैं और किस तरह से क्रिया होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको अच्छे से। और फिर अपने क्या नाम की तीसरा जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, क्या है, जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल हेड के अंदर पाया जाता है, जबकि डिस्टल सेंट्रियोल, अपने दो सेंट्रियोल लिखे थे, एक समीपस्थ और एक दूरस्थ, तो डिस्टल सेंट्रियोल प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होड में होता है, जबकि डिस्टल सेंट्रियोल नेक में पाया जाता है, ठीक है ना। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या होता है, पहले तो ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है, जो नेक में हेड में उपस्थित होता है, उसका काम है विदलन को प्रारंभ करना। किसको? विदलन को प्रारंभ करना। इसको प्रारंभ करना, विदलन को प्रारंभ करना। ठीक है, विदलन का मतलब जैसे स्पर्म और ओवम मिल गए तो हो गया निषेचन, निषेचन के बाद में उसमें जो विभाजन होंगे उन विभाजन को अपन विदलन बोलते हैं। ठीक है, चलिए साहब, दूसरी बात, फिर आता है डिस्टल सेंट्रियोल, जिसको अपन कहते हैं दूरस्थ तारक केंद्र, है ना, सेंट्रियोल। ये जो है ये क्या करेगा, जो अक्षीय तंतु अपन ने बनाए थे, याद कीजिए, एक्सेल फिलामेंट, जिनकी संख्या 9 होती है, बाहर और बीच में होती है 2, तो 9+2 का विन्यास अभी अपन लिखेंगे किस तरह से था। डिस्टल सेंट्रियोल का काम होता है एक्सेल फिलामेंट जिसके अंदर डाइनिन प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, डाइनिन प्रोटीन होता है, है ना, का निर्माण करना। और ये क्या करता है, स्पर्म्स को गति प्रदान करता है, स्पर्म्स को गति प्रदान करता है। ठीक है ना, तो ये डिस्टल सेंट्रियोल है और ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, क्लियर, ये कुछ पॉइंट लिखिए, फिर अपन बात करते हैं कि किस तरह से आगे का काम होता है। और आपको मैंने दो चीजें बता दी, एक तो मेन सेट
और एक आपके नेमेन कर्ण सीथ, ये दोनों की बात अपने डायग्राम के अंदर ही क्लियर कर लेती। ठीक है, अब आती है बात रिंग सेंट्रियोल, उसका फंक्शन अभी तक ज्ञात नहीं है। ये लिखिए, फिर मैं बताता हूं किस तरह से इन एक्सीय तंतु का विन्यास स्थित होता है। अगर अपन बात करें मिड पार्ट में, जिसको अपन कहते हैं मिडल पीस की बात करें, उसके अंदर होता है 9 + 2 + 2 9 9 आ गया + 2 आ गया। ये आपके मिडल पीस में मिलेगा विन्यास। ठीक है, और दूसरा जो विन्यास अगर आपसे कोई पूछ ले टेल के अंदर क्या होगा, तो टेल के अंदर आपको बताना है, वो बताना है 9 + 2 9 + 2। ये ध्यान रखना, टेल के अंदर दो तरह के विन्यास होते हैं, आपको पता है प्रोक्सिमल में अलग होता है, डिस्टल में अलग होता है, लेकिन हमें डिस्टल वाला ही याद रखना है क्योंकि अंतिम गति पूछ के अंतिम सीरियस मानी जाती है। ठीक है, तो मिडल और टेल के अंदर आपको ये याद रखना, ये विन्यास आपके अंदर इसके अंदर पाया जाता है। और इस पर में गतिशीलता का मेन कारण है डायनिन प्रोटीन का पाया जाना। ओके, ये मेन मेन पार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा स्पर्म के। अब आती है बात जो एक्रोसोम है वो किस तरह से निर्मित होता है, वो अपन बात करेंगे। ये लिखिए पहले आप फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए चलिए सर, अब देखिए आप, अब बात आती है किसकी, एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है। प्रोसेस ऑफ एक्रोसोम फॉर्मेशन, ठीक है, इस तरह से होता, देखिए सबसे पहली बात, देखिए आप स्पर्मेटिड का टेल युक्त गतिशील स्पर्म में बदलना, स्पर्मेटिड का टेल युक्त स्पर्म में बदलना क्या कहलाता है आपको, बहुत अच्छे, स्पर्मायोजेनेसिस कहलाता है या स्पर्मेटोलिसिस कहलाता है, क्या कहलाता है, कल बताया था मैंने आपको स्पर्मायोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस, स्पर्मायोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। अगली बात किस तरह से बदलता, देखिए आप सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर आइए, आप सबसे पहले न्यूक्लियस ही बनता है, ये न्यूक्लियस बन गया, ये आ गया न्यूक्लियस, क्लियर, न्यूक्लियस आ गया। अब इसके अंदर न्यूक्लियोलस क्या है, एब्सेंट है, ध्यान रखना न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, ध्यान रखिएगा, क्लियर, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट है, और न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, और न्यूक्लियोप्लाज्म की मात्रा जो केंद्रक द्रव है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है तो न्यूक्लियोप्लाज्म की मात्रा क्या होती है इसके अंदर, बेसिकली कम होती है, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म की मात्रा कम होती है, और इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा लेकिन आरएनए एब्सेंट होगा, लेकिन आरएनए एब्सेंट है, क्लियर, ये सारी कहानी रहती। इसके बाद में क्या होता है, देखिए अब ये संरचना है मैंने जो बनाई है, वो बनाई है स्पर्मेटिड की, ये स्पर्मेटिड है आपके, अब इस एस्पर्मेटिड को गतिशील टेल में अपन को बदलना, तो आप देखिए क्या होगा, अगला जो स्टेप है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, और तीसरा है आपके, या लिख देता हूं सेंट्रियोल, ये तीनों तो आगे बाहर, बीच में बच गए आपके कौन, ये न्यूक्लियस, सही बात है, और न्यूक्लियस की साइज धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जैसे उसमें जो साइज थी उसे न्यूक्लियस की साइज छोटी कर दो आप थोड़ी, ये लीजिए ये एन, न्यूक्लियस साइज क्या हो जाएगी धीरे धीरे कम हो जाएगा,
यानी तीन ऑर्गेनल्स बाहर आ गए, न्यूक्लियस की साइज क्या हो गई है, कम हो गई। अब जो शेष बच गए ऑर्गेनल, जैसे अदर जो कोशिकांग जो है ईआर पीआर वगैरह, वो सारे शेष कोशिकांग क्या हो जाएगा, यहां पर नष्ट हो जाएगा। क्लियर? ये आगे दूसरी बार। अब देखो तीसरी बार, तीसरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, तीसरी के अंदर गॉल ब्लैडर तो आ जाएगा ऊपर, जिसको अपन गोल्जी बॉडी कह रहे हैं, ये लो गॉल ब्लैडर के गोल्जी बॉडी, और नीचे आ गया बीच में कौन ही आपके न्यूक्लियस, और नीचे चला गया कौन, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल आ जाएंगे नीचे। क्लियर? इसके बाद में क्या परिवर्तन होगा देख लिया। इसके बाद में गोल्जी बॉडी जो होगी ये बनाई आपको जगह चाहिए अपन को थोड़ी, ये लिखिए फटाफट, ओके। अब सारा खेल जो होगा वो गोल्जी बॉडी का होगा, इनको अपन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो करेगी गोल्जी बॉडी करेगी। क्या करेगी देखिए आप, अब देखिए आप ये संरचना बना दी अपने, उसके आगे वाली संरचना बना रहे हैं, ऊपर ही गोल्जी बॉडी आ गई सारी, क्लियर, बीच में न्यूक्लियस आ गया और यहां पर आ गए आपके माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल। बिल्कुल सही बात है, ये सिचुएशन थी अपने। अब देखो आप यहां से जो ये दो गोल्जी बॉडी बची है, ये सेस जो गोल्जी बॉडी है, ये तो क्या हो जाएगी, सेस गोल्जी बॉडी नष्ट हो जाएगी सारी, केवल एक गोल्जी बॉडी बची है, इसको अपने एक नई संरचना का नाम दे देंगे, जिसको कहेंगे गोल्जी वेसाइकल। क्या बोलेंगे? गोल्जी वेसाइकल। क्या बोलेंगे? गोल्जी वेसाइकल। बाकी ये दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इनका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही ये गोल्जी वेसाइकल बनेगी ना, तो आगे वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आगे वाला जो प्रोसेस होगा उसके अंदर क्या होगा, ये जो गोल्जी बॉडी है इस तरह से ये बने हुए ना जो, और बीच में न्यूक्लियस सही है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इधर आपके सेंट्रियोल हो गया। अब ये जो है, ये जो गोल्जी वेसाइकल्स है जिनकी संख्या है अपने पास, ठीक है ना, ये गोल्जी वेसाइकल, ये सारी ये गोल्जी वेसाइकल, ये सारी ये गोल्जी वेसाइकल, ये लो बना देता था कंफ्यूज, अदर गोल्जी बॉडी नष्ट हो जाएगी। अभी जो गोल्जी वेसाइकल है इसके अंदर प्रो एक्रोब्लास्ट कण आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, इसमें कण का जमा होना शुरू हो जाएगा, जो इसका स्त्रवण है, प्रो एक्रोब्लास्ट या प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, ये ग्रेन्यूल ही तो आगे जाकर एंजाइम बनाते हैं, जो हाई एलिरोडिनेज वगैरह जो होते हैं वो सारे ऐसे से ही बनते हैं, ठीक है, या इसका दूसरा नाम ये हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा देखो आप, अगली संरचना में अब अपन को पता है सारा काम गोल्जी बॉडी कर रही है, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी धीरे धीरे क्या बना देगी, एक्रोसोमल एक्रोब्लास्ट नामक संरचना बनाएगी। देखो आप इस तरह से ये बन गया, ये संरचना बन गई, इसमें ग्रेन्यूल आ गया, इसको अपन बोलेंगे एक्रोब्लास्ट, और इसके अंदर प्रेजेंट है ये कौन से आपके एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, और इधर बीच में कौन है न्यूक्लियस, इधर कौन आ गया माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल। क्लियर? चलिए सर अब आगे क्या होगा देखो, यानी एक्रोब्लास्ट बन चुका है, यानी धीरे धीरे एक्रोसोम बनने की नंबर आ गया नेक्स्ट। अब क्या हो जाएगा देखो आप, अब सीधा ये स्पर्म बन गया, ये लीजिए न्यूक्लियस, ये गीलिया कैपेटिस, ये बन गया एक्रोसोम, ये न्यूक्लियस, ये सेंट्रियल प्रोक्सिमल, ये आ गया डिस्टल, ये दोनों आ गए सेंट्रियल्स, ये आ गया न्यूक्लियस, ये एक्रोसोम का निर्माण, और ये आ गए एक्रोसोमल एंजाइम। इस तरह से ये निर्माण होता है किसका, एक्रोसोम का, ये बन गया क्या, स्पर्मेटोजोआ।
चलिए साहब, इस तरह से इसका निर्माण संपन्न होता है। साइटोप्लाज्म की बड़ी मात्रा कम हो जाती है, साइटोप्लाज्म जो है धीरे धीरे कम हो जाती है, साइटोप्लाज्म में बीच में भरा पड़ा ही गया साइटोप्लाज्म। चलिए साहब आगे बढ़िए, और जो बच जाते हैं बाकी शेष कोशिकांग जो बच गए, और शेष कोशिकांग को सर्टोली कोशिका, कौन सी सर्टोली सेल्स नष्ट कर देती है। चलिए आगे बढ़िए फटाफट। अब अपन बात करेंगे अंड जनन की प्रक्रिया, जिसको अपन बोलते हैं ऊजेनेसिस। ये लिखिए फटाफट, फिर शुरू करते हैं अपन ऊजेनेसिस का प्रोसेस। चलिए अब लिखिए आप, ये होगी शुक्र जनन की प्रक्रिया आपके समाप्त हो जाती है। अब अपन शुरू करेंगे अंड जनन की प्रक्रिया, यानी अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं आपके ऊजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में अपन क्या पढ़ेंगे ऊजेनेसिस। सबसे पहले ओवरी के अंदर ओवम या ओवा या प्रॉपर वर्ड तो क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट बनने की प्रोसेस ऊजेनेसिस कहलाती है। ऊजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। अब आगे बात ये हमारी के अंदर ओवम या सेकेंडरी ऊसाइट बनने की प्रक्रिया ऊजेनेसिस कहलाती है, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊजेनेसिस की प्रक्रिया यानी अंड जनन की प्रोसेस भ्रूणीय अवस्था यानी एम्ब्रायोनिक स्टेज में प्रारंभ हो जाती है, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है अंड जनन की प्रक्रिया, जब भ्रूण जो है वो माँ के पेट के अंदर होता है, एम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है, उस समय प्रारंभ हो जाती है ना, बाद में कुछ नहीं होता है एम्ब्रायोनिक। लेकिन मेल के अंदर आपको पता है स्पर्म बनाने का प्रोसेस प्यूबर्टी आने पर स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रारंभ हो जाती है, क्लियर। तीसरी बात, जन्म के पश्चात यानी किसी बच्चे का जन्म हो गया, फीमेल बेबी का जन्म के पश्चात किसी प्रकार की नई उगोनिया का निर्माण नहीं होगा। अपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, याद करो लेक्चर के अंदर, उगोनिया है ना, सबसे पहले योक से एक सेल बनी थी, उससे अपन ने बनाया था क्या किया था, प्राइमोर्डियल या प्राइमरी जर्म सेल्स, उससे बनाई थी अपने उगोनिया, ठीक है ना, याद कीजिए आप। तो उगोनिया जितनी बनी थी जन्म से पहले बन जाएगी, जन्म के बाद किसी प्रकार की एक सिंगल भी उगोनिया का निर्माण नहीं होगा, नई उगोनिया या प्राइमरी ऊसाइट का निर्माण नहीं होगा जन्म के पश्चात। ध्यान रखें, जन्म के पश्चात किसी प्रकार की, अगर पूरे जन्म के पश्चात कितनी उगोनिया बनती है, कितनी प्राइमरी ऊसाइट बनती है, तो लिखोगे जीरो, कोई नहीं बनती है, ठीक है ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, जन्म के समय दोनों
अंडाशय यानी ओवेरीज में लगभग 4 लाख लगभग 4 लाख प्राइमरी फोलिकल, अगर मैं कहूं तो ये वाली ये क्या है, प्राइमरी ऊसाइड किसके अंदर होती है, प्राइमरी फोलिकल के अंदर होती है, इसलिए मैंने प्राइमरी ऊसाइड लिखा कि प्राइमरी फोलिकल के अंदर ही प्राइमरी ऊसाइड है, जैसे प्राइमोर्डियल में बनती है लेकिन हम प्राइमरी को कंसीडर किए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लगभग प्राइमरी फोलिकल की संख्या 4 लाख होती है, कितनी 4 लाख होती है, ध्यान रखिएगा कब, जन्म के समय। दूसरी बात, लेकिन प्यूबर्टी आने तक, लेकिन प्यूबर्टी आने तक इनकी संख्या प्रत्येक, देखो ध्यान रखना प्रत्येक लिखा मैंने, एक की बात करो दो में डबल कर लेना, प्रत्येक ओवरी में 40,000 से 60,000 रह जाती है, कितनी रह जाती है 40 से 60,000। ये क्या हो गई, बाकी सारी क्या है, सेंस विटामिन ई तथा FSH हार्मोन की कमी के कारण क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, कारण नष्ट हो जाती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगली बात, अब देखो आप, लगभग अप्रॉक्स कितनी थी अपने पास, 4 लाख थी ना, देखो अपन गुणा भाग कर लेते हैं, कितनी थी 4 लाख, अब प्रत्येक ओवरी में कितनी बची है 40 से 60 रह जाती है, तो 40 से 60 का आप डबल कर लो दोनों ओवरी में, कितना 80, और ये तो हो गया 1 लाख, मैक्सिमम ले लेते हैं अपन 1,20,000 के आसपास, ये 1,20,000 के आसपास, अब आप सोच लो लगभग 2,70,000, 2,40,000 के रह गए, और भी इससे प्लस माइनस कर लो आप, तो लगभग 2.5 लाख, 2,40,000 लगभग 2 लाख लगभग ले रहा हूं, 40,000 प्राइमरी फोलिकल्स या प्राइमरी फोलिकल्स क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसे फोलिकुलर, मैंने बता दिया था आपको पहले ही ओवुलेटरी साइकिल में फोलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप लिखिए फटाफट, फिर अपन आगे की बात करते हैं, ये चीजें अपन को जानना जरूर थी, लिखिए सर। जल्दी करें, ओके चलिए, चलिए सर ऊजनेसिस की बात करते हैं,
ऊजेनेसिस की प्रक्रिया हो। ओवरी के कॉर्टेक्स भाग में होती है, ध्यान रखना, इस भाग में कॉर्टेक्स भाग में होती है, ठीक है ना। जितने भी परिवर्तन होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सारे। अब देखिए किस तरह से, सबसे पहले ओवरी में सर्वप्रथम प्राइमरी सर्वप्रथम योक सेक्स सेल प्राइमरी जर्म सेल का निर्माण करती है। क्या करती है? प्राइमरी जर्म सेल का निर्माण, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं ईजीसी सेल का निर्माण करती है। क्लियर। दूसरी बात, ये आगे किस तरह से ओजेनेसिस में भी स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह तीन फेज होती है, ध्यान रखना। कितनी फेजेस होती है आपके? तीन फेजेस होती है, ध्यान रखिए। स्पर्मेटोजेनेसिस और चाहे ओजेनेसिस हो, तीन फेज होती है इसके अंदर भी। क्लियर हुई? कौन कौन सी? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। सबसे पहले अपन बात करते हैं किस तरह से, ये 2N है, ये है आपके प्राइमरी जर्म सेल, जिसको अपन बोल रहे हैं पीजीसी। करेक्ट, एक सिंगल प्राइमरी जर्म सेल है। अब ये डिवाइड करेगी, ये डिवाइड कर लिया इसने, क्या कर दिया? माइटोसिस। दो सेल बनेगी, एक दो, ये भी 2N, ये भी 2N। क्लियर, माइटोसिस हुआ, क्या बन गई? उगोनिया। सेम वही कहानी, उगोनिया बनाएंगे, इसका निर्माण हुआ उगोनिया। करेक्ट। अब ये उगोनिया फिर माइटोसिस करेगी, 2N, 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 क्या हुआ? अगेन माइटोसिस, दो बार हो गया माइटोसिस, एक पहले ये हुआ फिर ये हुआ, क्या बन गया? उगोनिया। करेक्ट। ये कार्यक्रम जो चला है इसमें केवल डिवीजन और डिवीजन हुआ, तो ये कौन सी फेज हो गई? संख्या में वृद्धि हुई है, गुणन हुआ है, तो गुणन प्रावस्था बोल दो या बोल दो मल्टीप्लीकेशन फेज। ये गुणन प्रावस्था है। ओके, नाउ अब इसके अंदर आएगी ग्रोथ फेज। इनमें से कोई एक चली जाएगी, वही जैसे अपन ने कहा ना, बी बी बी, ये मान लो ए है, कुछ भी लगा सकते हो अपनी मर्जी, ऐसा नहीं किसी बुक में बी ए बी लिखा होता आप ए बी मानो, नहीं साहब, हमारी मर्जी होगी वो मान लेंगे। ये हो गया 2N। अब ये कौन से फेज में आ गई? दूसरी प्रावस्था, जिसका नाम है कौन सी? वर्धी प्रावस्था। वर्धी प्रावस्था के अंदर क्या करती है? खूब अपने अंदर खूब सारे भोज्य पदार्थों का संचय कर लेती है, ऑर्गेनल्स जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जितने भी, उनकी संख्या बढ़ा लेती है, क्योंकि आगे जाकर उसको अर्धसूत्री विभाजन करना है, और अर्धसूत्री विभाजन में आपको पता है अनइक्वेटोरियल होता है, पहले शुरुआत में 2N से N बनेगा, तो साइटोप्लाज्म वगैरह सबकी संख्या खाक हुआ कि इसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है, देख लो आप इन सब की कंपैरेटिव सेल की साइज बड़ी है, इसको अपन बोलेंगे, अब इसका नाम चेंज हो गया प्राइमरी ऊसाइट, इसे बोलेंगे अपन प्राइमरी प्राइमरी ऊसाइट। या ये प्राइमरी ऊसाइट सबसे पहले किसमें डेवलप होती है? प्राइमरी फॉलिकल में, तो ये प्राइमरी फॉलिकल, इसलिए मैंने वहां पर दो नाम लिखे थे अभी थोड़ी देर पहले, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी ऊसाइट के अंदर निर्माण हो जाता है, प्राइमरी फोलिकल के अंदर बन जाती है प्राइमरी ऊसाइट। ये यहाँ पे हो गई। अब इसमें मियोसिस होगा, ये आगे का सीन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अब आप रुकिएगा, यहां तक लिखिए। सबसे पहले ग्रोथ फेज तक, दो फेज हो गई है, मल्टीप्लिकेशन हो गई है, ग्रोथ हो गई। अब एक बात बताइए, मैच्योरेशन फेज, वो सबसे लेंथी फेज हो जाएगी आपकी,
ये लिखिए फटाफट, फिर अपन बात करते हैं आगे की फेज की। और ग्रोथ फेज आपको पता होना चाहिए सबसे लॉन्गेस्ट फेज है जानू का, कैसे है वो अभी बताऊंगा मैं आपको। सबसे लॉन्गेस्ट फेज ये है, इसके अंदर अंड जनन के अंदर और उ जनन के अंदर पूछ ले आपसे लॉन्गेस्ट फेज मैच्योरेशन फेज होती है जानू का। अंड जनन में तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, ग्रोथ फेज। और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन में सबसे बड़ी कौन सी है, मैच्योरेशन फेज, जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाता है। ये ग्रोथ फेज यहाँ पर लंगी सबसे लेंदी क्यों हो रही है, बिकॉज यहाँ पर दो हो गए, एक पूर्व पीतक जनन और पीतक जनन, दो तरह की चीजें होती है। इसमें योग सिंथेसिस होता है, योग सेट, ठीक है ना, इसको अपन कहते हैं वाइटलोजेनेसिस एंड प्री वाइटलोजेनेसिस। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे होता है इस फेज के अंदर, अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी सबसे लंबी ये है इसके अंदर तो, और उसमें सबसे ज्यादा लंबी है मैच्योरेशन फेज वाली जो सबसे लास्ट में होती है, जिसे स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है। ठीक है, चलिए अब आपने क्या बना दिया इसका, प्राइमरी ओसाइट बना दी है। प्राइमरी ओसाइट के बाद में थोड़ा सा सीन चेंज होता है, ये सारी प्रक्रिया है फीमेल के भ्रूण अवस्था में हो रही है, अभी तक उसका चाइल्ड यानी फीमेल बेबी का बर्थ नहीं हुआ है, उससे पहले पहले ये सारा कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। अब सुनना मेरी आप अगली बात, एट बर्थ अपन ने बता दिया इतनी तिथि। अब क्या होता है देखो, आपने क्या बना रखी है इसको, बर्थ टू प्यूबर्टी, सही बात है, यानी कि बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक क्या होगा, देखिए एक और मैं क्लियर कर देता हूं आपको, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। ये आपने क्या बना दिया यहां पर 2m, क्या बना दिया आपने, प्राइमरी ओसाइट बना दी आपने, ठीक है। अब प्राइमरी ओसाइट जो ग्रोथ फेज में थी, इसके अंदर होगा मियोसिस फर्स्ट, लेकिन ये फर्स्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ये यहां पर एरेस्ट हो जाएगा, एरेस्टेड यहां पर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना ये रुक जाएगा आपके प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आकर, क्या हो जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट में आकर रुक जाएगा, ये आगे डेवलपमेंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एफएसएस नहीं आया, ठीक है ना, एरेस्ट ये हो जाता है प्रोफेज मियोसिस के अंदर होते हैं ना, प्रोफेज फर्स्ट सेकंड उसमें आकर अरेस्ट हो जाएगा। क्यों हुआ, एफएसएच एंड विटामिन ई की क्या थी, कमी थी, इसलिए रुका, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अब यहां पर बर्थ हो जाएगा बेबी का, ये बर्थ हो गया, बर्थ से लेकर कहां तक, प्यूबर्टी तक कुछ नहीं होना है, बिल्कुल ये अरेस्ट बड़ी रहेगी अपनी जगह, कोई परिवर्तन नहीं होगा उस फीमेल के अंदर, ठीक है ना। अब क्या होगा देखिए, जैसे ही प्यूबर्टी आने पर एफएसएच का लेवल क्या होगा बढ़ेगा, और एफएसएच का लेवल बढ़ते ही क्या होगा आपको पता है, मियोसिस फर्स्ट जो रुका हुआ था वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होते ही है ना, प्राइमरी उस साइड में डिवीजन हुआ, इमीडिएट बढ़ जाएगी आपकी क्या, दो चीजें, एक तो बन जाएगी बड़ी सारी एन, क्या बन गई आपके, ये बन जाएगी सेकेंडरी ओसाइट, जिसको आप बोलते हो ओवा या बोलते हो ओवम रफली, लेकिन रियल में प्राइमरी, साथ में एक छोटी सी और बन जाएगी एक एन, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, क्या कहते हैं, ये नष्ट हो जाती है आगे जाकर, फर्स्ट पोलर बॉडी, प्रथम ध्रुव का है, जिसका आगे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी साइज बड़ी है, इसमें साइटोप्लाज्म की संख्या ज्यादा है, क्लियर, ये बन गया सेकेंडरी ओसाइट, क्लियर। अब सेकेंडरी ओसाइट के बाद में क्या होगा वो अपन बात करते हैं कल, ओके गाइस, तो कल अपन बात करेंगे सेकेंडरी ओसाइट
ये जो मना है वो आगे जाकर क्या करेगा, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फीमेल के अंदर निकलता है वो सेकेंडरी ओसाइट निकलता है, ध्यान रखिएगा। अगर निषेचन हो गया, ठीक है ना, अगर निषेचन हो गया तो ये जाइगोट में बन जाएगा, फिर प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, ठीक है। नहीं तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ बॉडी से बाहर हर ओवुलेशन के पश्चात निकल जाता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज के दौरान, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा कि ये जो सेकेंडरी ओसाइट बनाया इसका फ्यूचर क्या होगा वो अपन पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, ओके गाइस। तो आज ओजेनेसिस अपने आधा पढ़ा, कल इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे और फिर अपन शुरू कर देंगे आगे का प्रोसेस, ठीक है। अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।